how an international student can avail the Lithuanian study visa. In this context, a student visa, international student should note the following points. Number one, a student coming from EU region do not need a student visa. A student from selected non-EU countries such as Australia, New Zealand, USA, Canada don't need visa to enter into Lithuania, but should apply for after arrival. Tumko apply karna hai. Exemption zaroor hai, lekin karna hai apply. Aur jo EU student hai, do not need any resident permit, but it is compulsory to register with Lithuanian Migration Department within the 7 days of arrival in the country. Other than above, jo maine mention kiye hai student, everyone is coming to Lithuania for studies must apply for national visa and temporary resident permit. जो कि हमें डेफिनेटली एज ए एशियन या एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर हम इस कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं तो हमें इस स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई करना है. अब इसमें है टेम्परेरी रेसिडेंट परमिट होता है जो ऑल स्टूडेंट्स को फ्रॉम ईयू नॉन ईयू कंट्रीज हैं ऑल्सो नीड टू गेट अ टेम्परेरी रेसिडेंट परमिट. इट अलाउज इंटरनेशनल स्टूडेंट टू स्टडी टेम्परेरी और रेसिडेंट इन लिथुएनिया फॉर द पीरियड दे मेंशन इन द परमिट एंड यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा एट योर लोकल लिथुएनियन एम्बेसी. तो आपको लोकल जो भी आप जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आपको अप्लाई करना है. स्टूडेंट वीज़ा फॉर लिथुएनिया विल नॉर्मली बी इशूड इन 15 डेज ओनली, नॉट मच टाइम. द एप्लीकेशन फी, वीज़ा फी इज अराउंड 120 यूरोस, नॉट वेरी हाई. 120 यूरोस में यू कैन ईजिली गेट द टेम्प्रेरी रेसिडेंट परमिट. स्टडी एंड वर्क इन लिथुएनिया, ड्यूरिंग स्टडी as other countries they have the limitation of work 20 hours per week you are allowed to work. non eu ke liye jo hai work permit ki requirement hoti hai wo definitely agar unko koi hire kar leta hai koi training period ke duran ya attending to work ke duran in the field of scientific or social research then ye limit unke upar se over ho jati hai. otherwise they have only 20 hours per week ya 40 hours fortnightly to work. After graduation, जो international students and non-EU students and can apply for 15 months temporary resident permit to stay in the country and look for the employment. तो 15 months आपको मिलते हैं, 1.5 years almost बन जाता है आपका कि अगर आप degree complete कर लें तो resident permit apply करते हैं और employment search करें. As you can see on my screen, embassy location, Dubai, Azerbaijan, Uzbekistan and Turkey. यहाँ से इंडियन पाकिस्तानियों को जाके अप्लाई करना पड़ेगा. सिंपल नियरेस्ट आपका दुबई ही बनता है. आपको सबसे पहले नेशनल वीज़ा डी फॉर्म फिल करना होगा. ये फुल टाइम स्टूडेंट पर्पस के लिए होता है नेशनल वीज़ा डी फॉर्म जो हर स्टूडेंट को फिल करना है. इसके अलावा कंप्लीट करना होता है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डी जो कि डी टाइप टू बी चूजन है. 1 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो 35x45 कलर होनी चाहिए. मेरी स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे मैंने चेकलिस्ट दी हुई है. मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com वहाँ पर भी अवेलेबल है. अ वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट कंटेन एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस इशूड विद द प्रीवियस 10 ईयर्स. लास्ट 10 ईयर्स का पासपोर्ट आपसे मांग रहे हैं. जो आपको शो करना होता है अ वैलिड मेडिकल इंश्योरेंस कवरिंग द ड्यूरेशन ऑफ स्टे. इट मस्ट बी वैलिड all Schengen area and the amount of insurance must not be less than of 30,000 euro. तो आप जो भी इंश्योरेंस लेंगे जितने डेयर की आप ड्यूरेशन की आपकी डिग्री है उतने ड्यूरेशन की होंगी और ऑल Schengen एरिया के लिए ये कवर होना चाहिए और मिनिमम कवर अमाउंट 30,000 euro और उससे अबव होना चाहिए. अ कन्फर्म एयर टिकट रिजर्वेशन शो करनी है. टिकट बुक नहीं करना तो लेकिन कन्फर्म टिकट हो. काइंड ऑफ रिजर्वेशन बुकिंग होती है जो आप वीज़ा के टाइम पे यूज़ कर लेते हैं. मेडिटेशन लेटर बाय लिथुएनियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सबमिट इलेक्ट्रॉनिक थ्रू EPIS जो होता है. ये लिंक आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दूंगा. मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है. इसके थ्रू आपको वो मेडिटेशन लेटर लेना होता है. ये इलेक्ट्रॉनिक ही होता है. थ्रू EPIS आप ले लेते हैं. प्रूफ ऑफ फाइनेंस मीन्स 300 यूरो एवरी मंथ प्लान टू स्टे आपके पास है. तो आपका जो स्टे है उसके लिए आपको 300 यूरो तक आपको मिनिमम शो करना होता है. तो वो आप समझे जितने ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं उतने टाइम के लिए अपने से स्टेटमेंट शो करके आप कर सकते हैं. पर एटलीस्ट आपका जो स्टेटमेंट हो वो लास्ट 3 मंथ का मेंटेन हो और ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइन बाय द बैंक हो. के हर पेज स्टैम्प हो साइन हो. 300 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपका स्टे मिनिमम होना चाहिए. वैसे मैंने आपको मेंशन किया है कि 489.97 तक बन जाता है पर मंथ का, लेकिन आप उसको 300 ही काउंट करें. और लेकिन 3 मंथ्स ओल्ड स्टेटमेंट आप भेजते हैं तो 3 मंथ्स तक आपको मेंटेन कर लेंगे तो आपकी स्टेबिलिटी बन जाती है टू
support your funds or your during your stay in Lithuania. In case of sponsorship, अगर आपको कोई sponsorship, affidavit sponsorship होगा from parents, relative and their proof of financial means के उनको financial आपको किस तरह आपको support करेंगे अपने अपने income support आपको show करनी है. Document provided एजुकेशन बैकग्राउंड जो कि ड्यूली लीगलाइज हो. लीगलाइज का मैंने आपको बता दिया है कि वो एम्बेसी के थ्रू करवाते हैं, उनकी अपनी अथॉरिटी जो करती है, और $120 जो है आपको वो एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, द लिथुएनियन एम्बेसी रिजर्व द राइट टू आस्क फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट एज वेल एज दे हैव अ राइट टू आस्क फॉर इंटरव्यू फ्रॉम द एप्लीकेंट. तो ये रखती है वो कि कोई जो डॉक्यूमेंट मैंने पुलिस से भी मेंशन कर दी है यही रिक्वायर्ड होती है, लेकिन दे स्टिल हैव अ राइट कि कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट भी आपसे मांग सकती हैं और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल कर सकती हैं. होता नहीं है बट इफ दे वांट टू. और इससे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इससे इंपॉर्टेंट ये कि स्टूडेंट विद एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड पर्सनली. किसी को भेजना नहीं है, कोई जाएगा नहीं, VFS नहीं होगा, इन पर्सन आपने खुद पर्सनली सबमिट करनी है. ऑल विजा एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एयर टिकट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी जेन्युइन एंड वैलिड. ओरिजिनल भी हो, वैलिड भी हो एट द टाइम ऑफ सबमिशन. वीजा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम इज 14-15 डेज अनलेस ऑल एडिशनल कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड. कोई अगर रिक्वायर्ड है या डॉक्यूमेंटेड तो आपको इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर 14-15 डेज में आपको वीजा आ जाता है. Well, that's it for today. I hope you like my video. If you have any question or query, please feel free to leave a comment below. Like always, happy learning from my side.